वाहगुरु जी की फतेह। रागी साहिबाना तो कदे कदे शब्द सुनने वास्ते मिलता है जिस दा साहिब डाडा होए तो इसनों मार ना सके कोई, या कई बार हुक्मनामे के रूप में सुनिया बाणी विचों वैसे पढ़िया, पर जे दे उपरों उपरों अर्थ लोगे तो अर्थ यही बनते ना भी जिहदा साहिब डाढ़ा हुंदा है मीन ताकतवर हुंदा है उन्हों कोई मार नहीं सकता। पर इहदे इह अर्थ नहीं है, इहदे इह अर्थ नहीं बनते, इहदे अर्थ होर ने, डीपली ने। नंबर एक दे उत्ते गल नूं समझ लो, असीं बाहरी मौत नूं ही मौत समझ बैठे हैं, इस तों अगे दा सानूं पता नहीं है। बाहरी जीवन नूं ही जीवन समझ बैठे हैं और गलती कर बैठे हैं, इस तों अगे दा सानूं कोई पता नहीं। गुरबाणी विच तन दी गल बड़ी घट चलदी, मन दी गल लगातार चलदी। एक ओंकार तो लैके अखीर तक मन दी चर्चा, मन दी गल, मन नूं बदलना है, सुभा नूं बदलना है, सोच नूं बदलना है, ये गल चलदी। तन दी गल किधरे नहीं चलदी। तन नाल संबंधित विचारां गल्लां बातां बहुत थोड़ियां ने, सारी बाणी मन दे नाल संबंधित है ते मन दे उत्ते केंद्रित है, मन दे उत्ते फोकस करके मन बारे उपदेश दिता जा रहा है भी मन तेरा इदां दा चाहीदा। हुण जदों ये बचन सामने आउंदा है गुरु अमरदास पातशाह दा भी जिसका साहिब डाढ़ा होए ते इसनूं मार ना सके कोई, ते फिर इहदे अर्थ मन दे नाल जोड़ के भला करो। हाँ, हुण मन दे सुधार की गल है, मन की बलवानता की गल है, मन की मैल की गल है, क्योंकि जिन्ना मन के अंदर बैलेंस नहीं होएगा, मन के अंदर मैल होएगी, मन के अंदर चुगली, निंदा, ईरखा, बखीली, ठगी, द्वेष, भावना सब कुछ होएगा, तो मन दुखी होएगा, मन रोंदा रहेगा, मन कलपदा रहेगा। मतलब आत्मक मौत की गल है, जमीर के मरण की गल है, जिन्हें मन के अंदर बुराइया ने मार दिता है। इतने असं एक भुलेखा खा जाने कि गल हो रही है बाहर की, बाहर की नहीं है। शरीर करके जे वेखो जेडे गुरु कहन वाले ने गुरु अमरदास साहब, शरीर तो उन्हों का भी साढ़े कोल नहीं है, शरीर गुरु नानक साहब का कोल नहीं है, शरीर गुरु अंगद साहब जी का कोल नहीं। दसे गुरु साहबाना का शरीर दसो कि शरीर अज है, पंज तत्तां वाला शरीर कि भगतों का, कबीर साहब, रविदास साहब, नामदेव साहब, बाकी दे भगत साहबान, किसी का शरीर अज मौजूद है, पर उन्हां दा सुभा, उन्हां दी सोच, उन्हां दी विचार, उन्हां दी बाणी, उन्हां दा ज्ञान वह साढ़े कोल है गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप के अंदर। हुण अपने विषय वल वधो भी जिस दा साहिब डाढ़ा होए तो इसनों मार ना सके कोई। लोग औगणा दे हथों मरे पए ने, किसी नूं काम ने मारिया, दिन रात काम दे सुपने, काम दियां गल्लां, काम दे चुटकले, काम विच गलतान रहना, काम दे अंदर ही उहदी चितवनी रहनी, सोच रहनी, उर्जे रहना, कुर्जे रहना, दिन रात काम दे अंदर, किसी नूं काम ने मारिया, जेलां भरियां पईआं ने बलात्कारियां दे नाल, और अज दे समाज दे अंदर ते काम वैसे भी शिखर ते चल रहा, लोभ ते काम वैसे भी शिखर ते चल रहे, समाज विच कोई रुतबा नहीं, दाग लगदे नज़र आ रहे ने, कामणे दाग लाए ने मत्थे दे उत्ते। खैर, किसी नूं क्रोध ने मारिया, घरां दे घर तबाह होए पए ने क्रोध दे हथों, भाई दा भाई कातल बन गया है, भैन भाई दा आपस दे अंदर क्रोध करके वैर विरोध चल रहा है, समाज दे अंदर क्रोध दी मार कोई मार रहा है, तो किसी नूं चलनी पै रही है। क्रोध ने भी दुनिया दे अंदर तरथली मचा के रखी, कोई क्रोध दे हथों मारिया है, किसी नूं लोभ ने मारिया है, रिश्तेदारी, माँ बाप, भैन भाई, धी पुत, पति पत्नी, लोभ दे हथों रिश्ते तार तार होए नज़र आ रहे हैं। मोह ने ऐसी मार मारी, पुत्र कोलों भी दुख मिले तो बंदा मोह की तंद नूं तोड़न वास्ते तैयार नहीं है। शरीर जर्जरा हो जाए, पुराना हो जाए, दुखी हो जाए तो छड़न वास्ते तैयार नहीं। किसी नूं हंकार ने मारिया है, हंकार दे अंदर हर वक्त अफरिया रहिंदा है, धौन च किला गड्डिया रहिंदा है, हर वक्त नज़रां दे अंदर सूर दा वाल हुंदा है, धौन अकड़ाई रहिंदी है, कोई काम दा, कोई क्रोध दा, कोई लोभ दा, कोई मोह दा, कोई हंकार दा, ये ते ने मेन। फिर चुगली, निंदा, ईरखा, बखीली, ठगी, द्वेष, भावना, ईर्षा, तमाम बुराइयां दे नाल बंदा ना अंदरों मरिया पिया है, अंदरों सड़िया पिया है, अंदर हर वक्त इहदा तुखदा है, अंदर राख नुमा बन गया है, अंदर मुर्दघाट बन गया है। इत्थों दी गल गुरु अमरदास साहब जी करदे ने
ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਢੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਡਾਢੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਡਾਢੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਏਗੀ। ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਬਚਾਏਗੀ, ਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਮੋਹ ਆਏਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਚਾਏਗੀ, ਜੇ ਲੋਭ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਬਚਾਏਗੀ, ਜੇ ਕਾਮ ਆਏਗਾ ਤਾਂ, ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਬਚਾ ਲਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਢੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁਰੀਦ ਚੇਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਗਿਰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦਾਤਰੀ ਤਿੱਖੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੱਲ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਕਣੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਮਾਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਮਾਰ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਾਰ ਹੇਠ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਵੱਸ ਗਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀ ਵੱਸ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।